प्राइवेट पार्ट्स को लाइटन किया जा सकता है कि नहीं, इसके बारे में सुना है? फर्श पे ब्लीचिंग सुना होगा, कपड़ों की ब्लीचिंग सुना होगा, दांतों की ब्लीचिंग भी आपने सुना होगा, लेकिन प्राइवेट पार्ट्स की ब्लीचिंग, क्या आपने इसके बारे में सुना है? दरअसल प्राइवेट पार्ट्स डार्क होते ही क्यों है, इसके बारे में सोचा है? आज इस वीडियो में मैं आप सबको प्राइवेट पार्ट्स की लाइटनिंग क्या होती है, कैसे की जाती है और प्राइवेट पार्ट्स एग्जैक्टली डार्क क्यों होते हैं, इन सब के बारे में जानकारी देना चाहूंगी। आजकल मार्केट में वजाइनल लाइटनिंग के बारे में बहुत ही ज्यादा चर्चा हो रही है। तो दरअसल ये वजाइना की लाइटनिंग का एग्जैक्टली फंडा क्या है, वजाइना को लाइटनिंग की जरूरत है भी या नहीं, पहले ये समझते हैं कि वजाइना क्या होता है और इसका नॉर्मल कलर क्या होता है। दरअसल वजाइना एक इंटरनल ऑर्गन होता है। औरतों के शरीर में बाहरी हिस्सा जो होता है उसका नाम होता है वल्वा। ये औरतों के शरीर में दिखने वाला, सामने दिखने वाला प्राइवेट पार्ट होता है। इस वल्वा में वजाइना का ओपनिंग होता है। वजाइना दरअसल एक कैनाल होता है, एक ट्यूब होता है। इस वजाइना के कैनाल का नॉर्मल कलर हल्का सा पिंकिश होता है और इसे लाइटनिंग की, ब्राइटनिंग की कोई भी जरूरत नहीं होती। अगर आपको लाइटनिंग, ब्राइटनिंग करवाना भी है तो वो वल्वा का ब्राइटनिंग होता है। तो क्या वल्वा को ब्राइटन करने की जरूरत भी होती है? वल्वा का नॉर्मल कलर क्या होता है? यूजुअली हमारे प्राइवेट पार्ट्स का कलर, नॉर्मल कलर हमारी नॉर्मल स्किन से एक शेड डार्कर होता है। तो अगर वल्वा हल्का सा डार्क है तो ये नॉर्मल है, लेकिन कुछ कंडीशंस भी होती हैं जिनकी वजह से वल्वा की स्किन, प्राइवेट पार्ट्स की स्किन बहुत ही ज्यादा डार्क हो सकती है। कुछ हार्मोनल कंडीशंस जैसे कि पीसीओडी या फिर डायबिटीज जैसी बीमारी या फिर कुछ इन्फेक्शंस, कुछ स्किन के इन्फेक्शंस की वजह से भी प्राइवेट पार्ट्स की स्किन हद से ज्यादा डार्क हो सकती है। अगर स्किन बहुत ही ज्यादा डार्क है, बहुत इची है, यानी कि बहुत ज्यादा खुजली हो रही है, तो आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट का ओपिनियन जरूर लेना चाहिए। अगर किसी इन्फेक्शन की वजह से आपकी प्राइवेट पार्ट्स की स्किन बहुत ज्यादा डार्क हो गई है तो इस इन्फेक्शन को क्योर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। जैसे ही ये इन्फेक्शन क्योर हो जाए आपकी स्किन ऑटोमेटिकली, यानी कि अपने आप से ही नॉर्मल हो जाएगी और स्किन का कलर भी काफी हद तक लाइट हो जाएगा। अब प्राइवेट पार्ट्स की स्किन कभी कभी ड्राइनेस की वजह से भी डार्क महसूस होती है। अगर स्किन में ड्राइनेस, जनरलाइज ड्राइनेस है तो इस जनरलाइज ड्राइनेस को मॉइस्चराइजर्स लगा के, रेगुलर मॉइस्चराइजर्स लगा के भी इसे नॉर्मलाइज किया जा सकता है। स्किन की लाइटनिंग शायद ड्राइनेस में पूरी तरह से अचीव ना हो पाए, लेकिन स्किन को तंदुरुस्त रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। प्राइवेट पार्ट्स की स्किन को लाइटन करने से ज्यादा प्राइवेट पार्ट्स की स्किन को हेल्दी रखने पे फोकस करें। कई बार मार्केट में हम स्किन ब्लीचिंग के बारे में सुनते हैं। नॉर्मल स्किन की ब्लीचिंग की तरह ही प्राइवेट पार्ट्स की स्किन को भी ब्लीच किया जा सकता है। तो क्या ये जरूरी है? जी नहीं। प्राइवेट पार्ट्स की स्किन को हाइड्रोक्विनोन, कोजिक एसिड जैसे क्रीम्स का इस्तेमाल करके अगर ब्लीच करवाने की कोशिश की जाए तो ये स्किन बहुत ही ज्यादा पतली हो सकती है, बहुत ज्यादा डैमेज हो सकती है, जिसकी वजह से इंटरनल इन्फेक्शंस होने में बहुत ही ज्यादा आसानी हो जाती है। इन्फेक्शंस कैच करने में उस स्किन में बहुत ही ज्यादा स्कोप हो जाता है। हाइड्रोक्विनोन और स्टेरॉइड्स जैसे क्रीम्स के इस्तेमाल से नॉर्मल फ्लोरा डिस्टर्ब हो सकता है। अगर किसी के प्राइवेट पार्ट्स का नॉर्मल फ्लोरा डिस्टर्ब हो जाए या फिर प्राइवेट पार्ट्स की ऊपरी स्किन पील ऑफ हो जाए तो स्किन बहुत ही ज्यादा डेलिकेट हो जाती है, इन्फेक्शन से बहुत ज्यादा ससेप्टेबल हो जाती है। ऐसी नाजुक स्किन में इन्फेक्शन कैच होना बहुत ही ज्यादा आसान होता है और उसकी वजह से आपको ज्यादा तकलीफ हो सकती है। इसीलिए वजाइना या वल्वा के लाइटनिंग क्रीम्स को इस्तेमाल करने से अपने आप को रोकें। वल्वा की स्किन आपके नॉर्मल स्किन से एक शेड डार्कर हो सकती है और ये
पूरी तरह से नॉर्मल होता है। आपकी स्किन को हेल्दी रखने में फोकस रखें। वजाइनल फ्रेग्रेंसेस, हेयर रिमूवल क्रीम्स का इस्तेमाल ना करें। इन क्रीम्स से, इन वॉशेस से भी आपके वजाइना की पीएच डिस्टर्ब हो सकती है। अगर पीएच डिस्टर्ब हो जाए तो भी आपका वजाइना इन्फेक्शन से बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल होता है और फिर उसकी वजह से इंटरनल डैमेज हो सकती है। इस वजाइना की लाइटनिंग, वल्वा की लाइटनिंग से क्या कोई हेल्थ बेनिफिट होता है? तो इसका जवाब है नहीं। वल्वार लाइटनिंग, वल्वा की लाइटनिंग क्रीम्स या कोई भी प्रोसीजर करवा के आप कोई भी हेल्थ बेनिफिट नहीं पा रहे हैं। रिसेंटली मैंने किसी से सुना कि वल्वा में केमिकल पीलिंग भी की जाती है। वल्वा में की जाने वाली केमिकल पीलिंग की वजह से एक्सेसिव ड्राइनेस हो सकती है, जिसकी वजह से स्किन और भी ज्यादा नाजुक हो सकती है। अगर वल्वा में ड्राइनेस मौजूद हो तो सेक्सुअल इंटरकॉर्स करने में भी दिक्कत हो सकती है। बहुत ही ज्यादा बर्निंग होना, सेक्सुअल इंटरकॉर्स पेनफुल होना वल्वा में डेवलप होने वाले ड्राइनेस की वजह से बहुत ही कॉमनली देखा जाता है। इसीलिए केमिकल पीलिंग को वल्वा जैसे नाजुक एरिया में पूरी तरह से अवॉइड करें। हाइड्रोक्विनोन स्टेरॉइड्स जैसे हार्श मेडिसिन को, हार्श क्रीम्स को अपने प्राइवेट पार्ट्स पे इस्तेमाल ना करें। ब्लीचिंग एजेंट्स को प्राइवेट पार्ट्स के स्किन पे ही नहीं, अपने अंडर गारमेंट्स में भी इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, जिसकी वजह से स्किन इरिटेट हो सकती है और इरिटेटेड स्किन पे इन्फेक्शन आसानी से पकड़ सकते हैं। अपनी स्किन को ब्राइट करवाने से ज़्यादा, अपनी स्किन को लाइटन करवाने से ज़्यादा अपनी स्किन को हेल्दी रखने पे फोकस रखें। कलर से भी ज़्यादा स्किन की हेल्थ इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू।